believe that I could put it forward in a way that is new for the audience and thank you. Can we have a drill, please? Thank you. ट्रेलर में तो देख लिया और आपको हम हमेशा देखते हैं तो आप जैसे अभी हमें दिख रहे हैं टीवी पे क्या ये अलग है उससे कहाँ टीवी पे दिख रहा है तो सामने खड़ा हूँ जहाँ पे हम रोज देखते हैं आज तो मैं पहली बार देख रही हूँ आपको सामने से एक्चुअली ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है ऐसे ही इसलिए मैं इसमें हूँ या सर ने डायरेक्ट किया इसलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इट्स अ स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली जो हर इंसान उससे रिलेट कर सकता है जी जी जो किसी की भी लाइफ में हो सकता है एक मोमेंट इट्स बेसिकली फॉर मी आई हैव सीन दिस फिल्म फोर फाइव टाइम्स एंड ईच टाइम आई हैव सीन द फिल्म इट हैज ग्रोन ऑन मी यू नो द मीनिंग ऑफ द फिल्म हैज चेंज्ड ईच टाइम एंड एक्चुअली द लास्ट टाइम आई वी सॉ इट टुगेदर इट वाज डे बिफोर यस्टरडे एंड आई थिंक आई काइंड ऑफ फाउंड एंड काइंड ऑफ ज़ीरोड इन समथिंग दैट इट्स अ रियलाइजेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स सो फॉर मी एंड द कैरेक्टर आई हैव प्लेड इज अ वेरी यू नो नेक्स्ट डोर गाय यू नो हू गोज़ टू द कॉलेज गॉट अ सन middle class family and how it all happens and suddenly one moment something happens which no one because what time sometimes what happens obviously meri pehli film hai so main bahut excited hu and puri team ne bahut mehnat ki hai and what is your role exactly mera role isme is like a very simple girl very sensible she is very close to her father but like ek din उसके पापा उसकी लाइफ के हीरो हैं लेकिन जिस दिन वो अपने पापा को अपने इस हीरो को खो देती है उस दिन से उसकी कहानी शुरू हो रही है एंड फिर वो क्या डिसीजन लेती है कैसे आगे बढ़ती है क्यों लेती है वो डिसीजन उसकी कहानी है वो हम फिल्म में देखेंगे या डेफिनेटली थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट बट इट्स जस्ट यू नो अ बबली गर्ल हु इज देयर एज यू आर या राइट एक्चुअली आई थिंक दैट इज हु आई एम इन माय रियल लाइफ No, that's exactly who I am. I think, you know, once the movie actually starts, it'll actually take you back to your college days. And you will actually, you know, have that feeling that, okay, it's there. And you're again getting back to those days. So I think once we see the movie, we'll have an understanding about that. Yeah. Definitely. Well, all the best. हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं. जब ये फिल्म मेरे पास आई, तो हिमांशु ने Hello. जब ये फिल्म मेरे पास आई हिमांशु ने कहा कि यार एक अलग फिल्म है अगर आप उस जॉनर की फिल्म करना चाहते हो तो एक बार आके देख लीजिए मैंने फिल्म देखी और मैं इनके पीछे पड़ा रहा कि फिल्म को रिलीज़ करते हैं बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए कि चलो अब ये वक्त है जहाँ पे हम 14 तारीख को गणपति के दर में आ सकते हैं तो थैंक यू हिमांशु टू बिलीव इन मी और पूरी कोशिश करूँगा कि इस फिल्म के साथ इंसाफ करूँ अरे राम चंद्र बोले मेरा नाम गीतांजलि सिंह है मूवी बहुत रियलिस्टिक है इसमें जितने कैरेक्टर्स हैं सब बहुत रियलिस्टिक हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत फिक्शनल कोई कैरेक्टर बनाया है और मेरा भी कैरेक्टर बहुत सिंपल है बट जो भी इसमें कैरेक्टर्स हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई कहानी क्रिएट की है
शायद अगर मैं भी उस सिचुएशन में रहूँगी तो वैसे ही सोचूंगी. तो कहानी भी हमने वैसे ही चली है एंड देन जैसे जैसे आएगा आप वो देखेंगे, बिकॉज सस्पेंस है तो आई कांट रिवील मच, बट देन आप डेफिनेटली फिल्म में हम देखेंगे कि क्या होता है. मनेज जौरा केमिस्ट्री, आई थिंक ऐसा कोई केमिस्ट्री वाला सीन नहीं था, बट देन बहुत ज़्यादा कोई केमिस्ट्री वाला था नहीं. इंडिविजुअल स्टोरीज चल रही हैं और हम बहुत फोकस्ड हैं. जो भी फिल्म में हमारा किरदार है उसमें हमारा किरदार बहुत फोकस्ड है अपनी चीज़ों को लेकर. बट देन मनित डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड को एक्टर एंड वेरी ईजी टू वर्क विद. और बहुत सारे पॉइंट्स पे वो मुझे बताते भी थे कि यू नो कुछ ऐसा करते हैं या ऐसा इम्प्रोवाइज़ करते हैं. सो मेरे लिए आई थिंक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मनित के साथ. शूटिंग के दौरान आई थिंक सबसे हमारे जो कैप्टन हैं हमारे डायरेक्टर हिमांशु यादव, आई थिंक ही इज़ वर्सटाइल एंड उनको पता है कि अपने एक्टर्स को कितना स्पेस देना है, कैसे उनके साथ काम लेना है. और पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि यू नो मेरी पहली फिल्म है, कैसा होगा, मैं कैसे करूँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे. बट जब हम सेंस करने के लिए आए ऑन सेट इतने इजीली सब कुछ इम्प्रोवाइज़ हुआ और मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा. आई थिंक फर्स्ट डायरेक्टर मेरे एज अ फिल्म डायरेक्टर आई थिंक हिमांशु वॉज द बेस्ट. हाँ सॉरी, बॉलीवुड में नहीं, मैंने मॉडलिंग असाइनमेंट्स बहुत किए हैं, मैं बहुत सारे एड्स कर रही हूँ और मैंने टीवी शोज़ भी किए हैं. लाइफ ओके का शो किया है एंड देन चैनल वी का शो किया है और अभी एड्स में मैं ज़्यादा हूँ एंड डेफिनेटली थोड़े मेरे साउथ के प्रोजेक्ट्स के लिए भी बात चली, बट अभी कुछ भी ऑन पेपर्स नहीं है. फलसफा पहली बात तो समझने के लिए थोड़ा मेरे लिए टफ था. मैं बार बार उनसे मीनिंग पूछती थी कि फलसफा इज़ लाइक फंडा. मुझे लगता था लोगों को जो जनरली लगता है कि फलसफा तो मतलब लाइफ का फंडा क्या है, बट देन मुझे समझाया गया कि इसका कितना डीपर मीनिंग है. लाइक इट्स लाइक डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. सो अब मैं टाइटल को समझने लगी हूँ और आई थिंक ये टाइटल बिल्कुल जस्टिफाई करता है इस स्टोरी को. दैट्स इट, थैंक. Let him also come here. Come, Gitan. My name is Manit Jora. Actually, you should ask the lady's name first. Tilt the camera. I think I'm already told. So I'm Ritima Grover. I'm Geetanshli Singh. Hi everybody, my name is Manit Jora. And you are watching Kuch Bolna live today. स्पेशल टुडे टॉप हेडलाइंस. किस तरह की? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ. एक कॉलेज गोइंग लड़का है 24-25 साल का. और क्या समझ होती है 24-25 साल के लड़के को? कुछ मालूम नहीं होता है कि क्या है लाइफ में. सडनली कुछ ऐसा पड़ाव आता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है टोटली. उसके बाद लाइफ कैसे चेंज होती है, उसके बाद वो कैसे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उसको रियलाइज़ करता है और फिर चीज़ें आगे बढ़ती हैं. सो मेरा कैरेक्टर एक बहुत ही सीधा साधा सुलझा हुआ लड़का है. ऑफ कोर्स जिसके अपने एक होते हैं ना 24-25 साल के अंदर उसका अफेयर, उसकी गर्लफ्रेंड, वो सब उस मामले के अंदर होता है. सडनली लाइफ कम्प्लीटली यू टर्न लेती है. देन हाउ लाइफ चेंजेज एंड हाउ ही एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ कोर्स ग्रेसफुली. So I think the entire film revolves around this thing. Basically, it's kind of what I have seen. It's like a realization of how how this, as the story unfolds, it's basically a realization about a lot of things, about your own bad things, you know, your own negative things rather. You should ask ladies also. दो हीरोइन हैं इसमें, क्या कहना चाहेंगे? मिली एक भी नहीं. अभी लास्ट वाले एडिट में मिल गए. मेरा पार्ट इज़ वेरी डिफरेंट. जो अभी आपने ट्रेलर
हमें दिखा है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माई पार्ट इज़, बिकॉज ये मनित और मेरा कॉलेज टाइम का है. सो आई एम अ बबली गर्ल हु इज़ देयर, वेरी हैप्पी, यू नो, वेरी चॉपी. सो या दैट इज़ व्हाट माई रोल इज. आई थिंक आप मूवी देखेंगे तो वो पता चलेगा, थोड़ा हमें उसके लिए भी रखना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज व्हाट शो अप देयर. आई थिंक मेरा हमेशा से वैसे वाला रहता है. अच्छा, सो यू व्हाट आ ई आ वो वैसे वाला है रिधिमा के साथ. विद विद हर इट्स टोटली डिफरेंट. शी इज लाइक अ फुल टॉम बॉयश, ऑलवेज ऑन द गो. बताओ. मैंने तो बता दिया जो भी मुझे. I think she's very tomboyish, on the go, and a very supportive character. Very, she doesn't care about anything. She's just a careless, very careful, careless girl. Nice. The character is very lively, and the overall the persona is very lively. So I think the biggest thing is about that. आपकी बॉलीवुड प्रोफाइल की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? मैंने एक्चुअली अपनी फिल्मी करियर शुरू किया था बैंड बाजा बारात से. एक छोटा सा रोल किया था मैंने बैंड बाजा बारात में. या उसके बाद मैंने एक इंटरनेशनल फिल्म किया. जर्मन फिल्म मेकर है माइकल कैरन, उनके साथ एक जर्मन फिल्म किया कॉल्ड द गर्ल विद द इंडियन एमरल्ड. उसके बाद मैंने बिजॉय, मिस्टर बिजॉय नाम्बेयर के साथ मैंने एक फिल्म की, रश. और उनके साथ मैंने अभी रिसेंटली इससे पहले एक फिल्म करी है सोलो, वो बिजॉय सर के साथ की है मैंने. एक और फिल्म की थी मिस्टर राजू सुब्रमण्यम के साथ, जो अभी वी आर वेटिंग फॉर द रिलीज. 2016 में फिल्म रिलीज हुई थी लव शगुन. अब ये हुई है और कुछ रहा तो नहीं, कुछ नहीं. सो आई थिंक अभी ये रिलीज हो रही है, सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म नाउ. यार एक्चुअली मेरे को सही में उम्मीदें हैं. मोर देन एनीथिंग एल्स, मुझे मैं चाहता हूँ कि लोग इस फिल्म को देखें और बताएं कि उनको कैसी लगी फिल्म. मैं ये देखना चाहता हूँ क्योंकि हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करी है. हम लोग कॉन्स्टेंटली, आपको सबको मालूम है कि दिल्ली की हीट कैसी होती है. उस दिल्ली की हीट में विदाउट एसी, विदाउट एनीथिंग, वी केप्ट वर्किंग हार्ड. और सब लोग, हम लोग काम करते रहे उसके अंदर. और बहुत मेहनत से हम लोगों ने फिल्म बनाई है. गिवन रिसोर्सेज के अंदर जितना भी हम लोग कर सकते थे उसमें हमने बहुत अच्छा करने की कोशिश करी. और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म चले, बिकॉज एक ये अच्छा थॉट है इसके पीछे, एक अच्छी स्टोरी लाइन है. और वी हैव मेड द फिल्म बिकॉज वी जेन्युइनली वांटेड टू से अ स्टोरी. Himanshu Yadav, director and writer. Sir, philosophical thriller hai and revenge ki kahani hai. Utna violence nahi hai. We are basically dealing with the philosophies, human drama, emotions. To usse zyada main bata nahi sakta. Manit Jora hai, Ridhima hai, Geetanjali hai. उसके अलावा सेकेंडरी कैरेक्टर्स हमारी फिल्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टोरी को काफ़ी आगे लेके जाते हैं. अमिताभ जी हैं, गीता मैम हैं, सुमित गुलाटी हैं. इस तरीके से वी हैव 20-25 डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द फिल्म. सर, एक आम इंसान को जैसे हम और आप हैं, रिवेंज का सिचुएशन किस तरीके से बदलता है, किस तरीके से आपको वो सोचने में मजबूर करता है जो आप अभी नहीं सोच सकते कि आप सामने वाले बंदे को मार दो, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, उसकी कहानी. सर, म्यूज़िक कम्प्लीटली स्टोरी ड्रिवन है. आई थिंक वी हैव अ रोमांटिक ट्रैक जो थोड़ा जिसका कमर्शियल आस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है. उसके अलावा सारे गाने स्टोरी ड्रिवन है जो आपको फिल्म देखने के बाद आई थिंक ज़्यादा अच्छे लगेंगे. मैं तो इतना कुछ कह सकता हूँ क्योंकि आप लोगों ने ट्रेलर देखा सिर्फ, मैंने तो पूरी फिल्म देखी है तो मुझे पता है मनित ने कितना बेहतरीन काम किया उसमें. सो I wish him all the best. I wish him all the luck and really happy for him as a brother. अच्छा लगा, वही मैं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा. It's very intriguing and मैंने फिल्म भी देखी है तो मुझे पता है कि आगे ट्रेलर के बाद आप लोग क्या देखने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग
है ट्रेलर, जब मैंने पहली बार देखा था मनेत इज फैमिली, तो ऑब्वियसली ही बॉट द ट्रेलर एंड मूवी और रिव्यूज जाना चाहते थे वो. तो जब मैंने पहली बार भी देखा था मुझे तब भी इतना इंटरेस्टिंग लगा था जितना मुझे आज लगा लॉन्च पर देख के. तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक द ऑडियंसेस विल बी डिसअपॉइंटेड. कुछ अच्छा ही लेकर जाएंगे वो घर जब ये मूवी देखने आएंगे तब.